आईपीएल 2020 में मुंबई इस भारतीय खिलाड़ी पर लगा सकती है 15 करोड़ रुपए की बोली, लगाता है लंबे छक्के। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 के ऑक्शन में अब कुछ ही समय बचा है। बता दें कि इस पर ऑक्शन 19 दिसंबर को कोलकाता में होना है। यहां आईपीएल टीमें भारतीय खिलाड़ी पर विशेष कर बोली लगाना चाहेंगी। वैसे दोस्तों, इस बार किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमें अपने कप्तान भी बदल सकती है। दोस्तों आईपीएल में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस से पिछले वर्ष फाइनल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स को अंतिम गेंद पर हराकर अपना चौथा आईपीएल खिताब हासिल किया था। बता दें कि रोहित शर्मा की यह टीम आईपीएल ऑक्शन में कुछ चुकाने वाले बदलाव कर सकती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज और लंबे छक्के लगाने में माहिर मनीष पांडे का आता है। बता दें कि मुंबई की टीम आईपीएल ऑक्शन में मनीष पांडे को जरूर खरीदना चाहेगी। हालांकि दोस्तों पिछले दो वर्षों से मनीष पांडे का आईपीएल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन दोस्तों मनीष पांडे के वर्तमान प्रदर्शन को देखते मुंबई की टीम उन्हें 15 करोड़ में भी खरीदना चाहेगी। वैसे दोस्तों पिछले वर्ष सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उन्हें 11 करोड़ में रिटेन किया था। यहां उन्होंने अपनी टीम के लिए कुछ अच्छी पारियां खेली थी। दोस्तों आपके अनुसार मनीष पांडे को मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं।